माई लवली पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो अभी आज मैं फिर से एक और नए कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने पेश हो गई हूँ। नया कंटेंट है मेरा टॉयज, बच्चों के टॉयज। तो इसके लिए मैंने मतलब कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट किया था, 5-6 चीज़ें मैंने खरीदी थी स्टार्टिंग के लिए, कैच के लिए। फ्रॉम 0 to 3 मंथ्स की एज से चीज़ें लेनी, परचेज करनी शुरू की थी, क्योंकि हम क्या होते हैं ना, उस टाइम में हमारे दिमाग में होता है कि मार्केट में जितना कुछ अवेलेबल है हम अपने बच्चे के लिए ले लेते हैं। लेकिन विद टाइम मुझे समझ में आने लगा कि ये एक जो इम्पल्सिव बाइंग मैं करती हूँ या मोस्टली मॉम्स करती हैं, पेरेंट्स करते हैं, वो यूजलेस है, क्योंकि बच्चा बहुत कम टॉय से खेलता है। आपको भी पता है बच्चों को खाली रैपर्स, न्यूज़पेपर्स, कॉम, स्लिपर्स, इन सब चीज़ों से खेलना पसंद होता है। तो अब तो मैंने टॉयज़ में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, सिर्फ कुछ ही टॉयज़ में लेती हूँ जो मुझे एक्चुअली लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चे को बेनिफिट कर सकता है। तो उस टाइम में भी मैंने जो विद टाइम जब मुझे समझ में आ गया तो कुछ चीज़ों में जिनमें इन्वेस्ट किया था मॉन्टेसरी टॉयज़ में, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। एंड पार्ट टू भी इस वीडियो का आएगा जिसमें मैं वो टॉयज शेयर करूंगी जो सिर्फ क्यांच को कुछ गिफ्टेड थे, कुछ हमने लिए और वो उनसे एंगेज रहता है, प्ले करता है। तो फर्स्ट जो टूल मेरे लिए काफी यूजफुल रहा है, एंड आई वुड नॉट कॉल इट अ टॉय, ये टॉय नहीं है, बट ये बहुत यूजफुल चीज थी मेरे लिए। तो फर्स्ट, ये इनको फ्लैश कार्ड्स कहते हैं, हम सबको ही मालूम होता है। तो फर्स्ट काइंड, ये दो टाइप के फ्लैश कार्ड्स आते हैं एक्चुअली। बच्चा जब शुरू में 0 to 3 मंथ्स की एज का होता है तो इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स आप ले सकते हैं, सब अमेजोन पे अवेलेबल है। मुझे ये एक मैंने आइंस्टीन बॉक्स परचेज किया था स्टार्टिंग में, उसमें रिसीव हुए थे ये कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स। तो उसमें इसमें लाइक एनिमल्स मेंशन हो रखे हैं एंड ये शेप्स मेंशन हो रखी है, तो बच्चे को आप स्टार्टिंग में इनसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं फ्रॉम 0 to 3 मंथ्स ऑफ एज। उसके बाद 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स बच्चा 5 साल तक की एज तक ये फ्लैश कार्ड्स आराम से प्ले कर सकता है। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, आप अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें पिक्चर क्लियर हो। और जैसे मैंने इनमें इन्वेस्ट किया था तो ये उतने स्टडी क्वालिटी के नहीं है, लेकिन मटेरियल अच्छा है। मैं खुद से क्यांच को ये सिखाती हूँ, लेकिन ये कि ये मतलब पेपर है तो फटने का चांस है, कुछ फाड़ भी दिए हैं क्यांच ने, तो इसको आप लैमिनेट करा के रख लीजिए। नहीं तो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में जाते हैं तो बोर्ड वाले भी आते हैं, इवन आजकल तो वुडन वाले भी आने लगे हैं, तो उसमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये पेपर वालों में इन्वेस्ट किया था। तो ये सेट्स में आते हैं, लाइक जैसे एनिमल्स के सेट आ जाएंगे, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, ये बर्ड्स के हैं कुछ, ये कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स और भी थे इसमें, शेप्स के थे, कलर्स के थे, ऑक्यूपेशन इस टाइप में, हुज हु, गुड मैनर्स, बहुत सारी चीज़ें अपोजिट्स के आते हैं, बिग एंड स्मॉल, इस टाइप की चीज़ें आती हैं इसकी फ्लैश कार्ड्स में। तो हमने क्यांच के साथ ये फ्लैश कार्ड्स आई थिंक व्हेन ही वाज लाइक 12 मंथ का था, वहाँ से मैंने ये स्टार्ट करने शुरू कर दिए थे। उससे पहले मैं उसको एक कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स ही दिखाती थी। व्हाट इज दिस? फ्लैश कार्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम जो पेरेंट्स होते हैं तो क्यों हम सर्च करते हैं लाइक फ्लैश कार्ड्स अच्छी क्वालिटी के। बहुत मॉम्स यूज कर रही हैं आजकल, बहुत कॉमन टूल हो चुका है टू ट्रेन बेबीज टू मेक देम लर्न थिंग्स। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है ना, एक्चुअली फ्लैश कार्ड्स को दे आर यूजिंग टू ट्रेन राइट ब्रेन ऑफ द बेबीज और ऑफ एडल्ट्स एज वेल। तो ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का क्या कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली बच्चा का ह्यूमन ब्रेन ही होता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। तो जो हमारा राइट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन क्या होता है ना, तो फास्ट एनालिसिस करता है, मतलब फास्ट ग्रास्पर ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम राइट ब्रेन को बच्चे के स्टिमुलाई देंगे, उसको स्ट्रांग बना देंगे, तो बाद के उसके अकेडमिक परफॉर्मेंस में उसको हेल्प मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है, राइट ब्रेन हमारा जो होता है वो अर्ली रिकॉलिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, आर्ट्स, इंट्यूशन, लर्निंग, इस टाइप की चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एक चीज इसके साथ है कि यू नीड नॉट टू कन्फ्यूज लाइक मेमोराइजेशन विद लर्निंग, क्योंकि इसमें हम जो कर रहे हैं फ्लैश कार्ड जब हम यूज करते हैं बच्चे के साथ, स्पेशली वेन वी आर यूजिंग इट एज अ मैथड ऑफ राइट ब्रेन ट्रेनर, तो उस समय क्या होता है, हम बच्चे को सिर्फ मेमोराइज करवा रहे हैं चीज, मतलब उसको उससे कोई लर्निंग नहीं मिल रही है। बिकॉज सपोज मैं ये कार्ड उसको शो कर रही हूँ लाइक कैन व्हाट इज दिस, तो ही विल ओनली पिक्चर से रिलेट कर पाएगा कि ही विल ओनली रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर दैट इज यस दिस इज टाइगर, उसके बियॉन्ड उसका ब्रेन उसको कुछ नहीं ट्रिगर करेगा। अगर आप इसको एज अ लेफ्ट ब्रेनर टूल यूज कर रहे हैं तो थोड़ा देर तक आप बच्चे को ये दिखाइए, आप उसके साथ में लेके बैठिए लाइक व्हाट इज दिस, दिस इज ज़ेब्रा, एंड ऐसे करके आप बताएंगे तो लेफ्ट ब्रेन स्टिमुलेट होगा बच्चे का।
राइट ब्रेन के लिए ट्रेनर के लिए अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो हमको इसको बहुत जल्दी जल्दी लाइक 0.5 सेकंड के लिए बच्चे को सिर्फ शो करना होता है ऐसे ऐसे करके आप इसको जस्ट कीप ऑन फ्लिपिंग 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 एंड बच्चा इसको बताते रहेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो फास्ट 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 तो बच्चे का राइट ब्रेन ट्रिगर होगा। ठीक है। काउ सेज मू। हॉर्स सेज नहीं। डक सेज चक चक। व्हाट व्हाट। शीप सेज बा। स्नेक सेज इश। आउल आउल। लायन रोर रोर। एलिफेंट मू। Dog? Moo. Cats? Meow. Meow. Let's proceed toward our next toy. So next toy is मैंने ये कुछ rolling drums purchase किए थे। एक ये wooden rolling drum purchase किया था, एक ये वाला rolling drum purchase किया था। तो ये जब क्यांच को tummy time देना start किया था उस time पे ये काफी useful है। तो ये बच्चा क्या करता है ना, जब हम इसको लगाते हैं तो एक तो moving object होता है तो बच्चा इसकी तरफ attract होता है, थोड़ा क्रॉलिंग भी ये प्रमोट करता है। ये टॉयज एक रैटल टॉयस है, तो ये इसको मैं जैसे अगर आप रोटेट करेंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, रुक जाता है। तो एक वो मूविंग और स्टॉपिंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे समझ पाते हैं। दूसरा ये रोटेटिंग ड्रम बच्चे के लिए काफी यूजफुल था, खुद आके क्यांच इसको रोटेट करता था। इसमें एक मिरर भी अवेलेबल है तो ये भी काफी देर तक बच्चा इसको देखता रहता है। तो ये दो टॉयस थे जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था एंड काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। प्लस पॉइंट ये कि ये वुडन के हैं, अगर बच्चा इसको मुंह में च्यू भी करने की कोशिश करेगा, मुंह में भी डालेगा तो कोई इशू नहीं है क्योंकि प्लास्टिक नहीं है ये एंड वेरी। एक और जो चीज मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया था ये एक रोलिंग शेप सॉर्टर था। रोलिंग शेप सॉर्टर में मतलब इसका 2-in-1 था, ये भी एज अ रोलिंग ड्रम भी ये यूज हो सकता है, बाकी इसमें 3D ये शेप्स भी हैं। तो जैसे ये सेमी सर्कल में ये 3D शेप्स अवेलेबल हैं। बच्चा हो सकता है इनिशियली इसमें शेप्स में नहीं इसको इतना इंटरेस्ट आएगा, कि वो तो आप उसको ओवर टाइम सिखाएंगे तो सीख जाएगा, लेकिन ये है कि इतने बड़े हैं 3D शेप्स अवेलेबल हैं, इसका बेनिफिट है तो बच्चा इटसेल्फ इससे एंजॉय करता है टू प्ले विद दीज 3D शेप्स। किया था वो इस टाइप के 2-piece पजल्स आते हैं बच्चों के लिए ना, तो ये भी मैंने वुडन के ही प्रेफर किए थे। प्लास्टिक में भी 0 to 2 years का जो बच्चा होता है, 0 to 2 years भी नहीं कहना चाहिए, व्हेन 18 to 24 months के एज में बच्चा 2-piece पजल बनाने के लिए मतलब कैपेबल होता है, तो इस टाइप के 2-piece पजल आप बच्चे को दे सकते हैं। ये था एक और था वो खो गया है यहाँ से, तो ये हमने इस टाइप के पजल्स में इन्वेस्ट किया था। बाकी मैंने अभी वैसे जिग्सॉ पजल्स और इन सब में इन्वेस्ट नहीं किया है, वो मैं सोच रही हूँ जब क्यांच 2+ हो जाएगा उसके बाद मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी। तो इनसे तो बेनिफिट है ही, बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स एनहांस हो रहा है, दूसरा कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती है, तीसरा ये भी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो ये इस तरीके के एक और नेक्स्ट टॉय जो हमारे पास मेरे पास अवेलेबल है वो ये था ज़ाइलोफोन। ये ऑलमोस्ट सब बच्चों के पास ही होता है, बहुत कॉमन टॉय है। तो ये ज़ाइलोफोन से एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब बच्चे को अच्छा लगता है, एक तो तरह तरह की इसमें नॉइजेस निकलती हैं, दूसरा दोनों हैंड से जब बच्चा इसको यूज करता है तो अच्छा लगता है, खुद की क्रिएटिविटी उसकी एनहांस होती है, कलर्स हैं तो काफी देर तक इसमें एंगेज रह सकता है, अच्छा टॉय है। Red. Good. Yeah. Both. इसको भी आप देख सकते हैं। एक और ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है और काफी लोग मतलब इससे ये के पेग पजल्स बोलते हैं, इसमें एक पेग्स अवेलेबल होते हैं छोटे छोटे, बच्चा इसको खुद से होल्ड करके एनी पजल सीख सकता है। तो इससे मैंने इसमें इन्वेस्ट इसलिए किया था, एक तो पेग पजल्स है, दूसरा ये है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आ सकता है लाइक बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट विद टाइम आप उसे सिखा सकते हैं। तो ये भी छोटे बच्चों के लिए लाइक अप टू 2 years के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है टू इन्वेस्ट इन पजल्स इफ यू वांट। तो हमारा नेक्स्ट टॉय था ये एक हैमर एंड पेग टॉय है। ये इसमें क्या है, ये एक इस टाइप में मुझे रिसीव हुआ है, इसमें पेग्स हैं और एक ये हैमर है और इसमें बहुत वैरायटी की ना पिक्चर्स हैं। जैसे मैंने अभी फिलहाल ये आइसक्रीम वाला पिक्चर लगाया हुआ है, तो इसमें बच्चे को आप बोलिए तो पर्टिकुलर कलर का वहाँ पे पेग है इसको जैसे रिमूव करके आप देख सकते हो, उसके बाद इसको यहाँ पे लगाया एंड बच्चे को आप
वो ये ट्रिगर कीजिए कि लाइक स्ट्राइक द ब्लू कलर येलो कलर, तो वो स्ट्राइक करके आपको बताएगा. तो इससे उसकी एक तो पेंसिल ग्रिप एनहांस हो रही है, आप फिजिकल एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, अपने मसल्स यूज कर रहे हैं. तो इस टाइप के पैक्स हैमर पैक टॉयज में भी आप इन्वेस्ट करते हो. ये बहुत वेराइटी के आते हैं, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था. बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल है अमेजोन पे, मैं आपको उसमें ऑप्शन में लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. हैमर से स्ट्राइक कर दो ग्रीन को, ग्रीन ग्रीन ग्रीन. आप स्ट्राइक करेंगे हम रेड, रेड 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 को स्ट्राइक कर दो. Very good. Now blue, blue को strike करेंगे. Very good. Now yellow, yellow, yellow. Look for yellow. Where is yellow? Good. तो ये थे कुछ चार पांच Montessori toys जिसमें मैंने invest किया था Kyanch के लिए. And Kyanch अभी भी कुछ इनमें से use कर रहा है, कुछ मेरे लिए अब useless हो गए हैं, जैसे ये rolling drum है, ये सब है. तो ये आप राइट एज पे राइट टॉय बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड हेल्प होगी. और बहुत सारे टॉयज भी आपको नहीं परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि बात उसे नहीं है कि हम कितने ज्यादा टॉयज दे रहे हैं, बात वो है कि हम राइट एज पे राइट टॉय बच्चे को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू माई वीडियो. थैंक यू.